विकास नगर में आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटना के बाद वन महकमा हरकत में आ गया है। बड़ी संख्या में वन विभाग की टीम टिमली गांव और रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर गश्त करती हुई नजर आई है। दरअसल टिमली रेंज में शिकार की चर्चाओं के बीच एक जंगली जानवर का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जंगली जानवरों के उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि ये आपसी संघर्ष में जानवर की मौत हुई है या फिर किसी व्यक्ति ने शिकार की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने टिमली गांव और गांव से लगते आरक्षित वन क्षेत्र में गश्त करती हुई घटना की जाँच पड़ताल की। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। लगभग हमको भी 30-35 साल हो गए, हमने तो कभी रात में फायरिंग की आवाज़ सुनी नहीं। सिर्फ एक बार फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, वो भी जब गांव में कोई कांड हुआ था, मस्जिद वाला मामला, पुलिस की फायरिंग हमने सुनी थी, लेकिन उसके बाद हमने कोई फायरिंग नहीं सुनी। लेकिन जो ये मामला इन्होंने चलाया है, ये बेबुनियाद मामला है। इसके बारे में चाहे पूरे गांव में आप किसी न किसी सबसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये गलत मामला उठाया उन्होंने। घटना की प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में हमारे द्वारा इस क्षेत्र में विस्तृत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। और दो दिन पहले एक जंगली सुअर के शव भी बरामद हुआ था, जिसके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। और दोषियों के विरुद्ध जो भी हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है, कुछ संदिग्ध हमें इसमें हो सकता है गाड़ी का टायर भी फटा, ऐसा कोई लगा नहीं गया शिकारी आए होंगे यहाँ। लेकिन फॉरेस्ट की टीम भी हमारे लिए अच्छी है, गांव का सपोर्ट करती है फॉरेस्ट की टीम।